नीनास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चाइनीज बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चाइनीज बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप उबले हुए नूडल्स लिए हैं, जिसे चॉप कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करके उसमें तेज पत्ता डालेंगे, फिर 2 बड़े चम्मच काजू टुकड़ों में कटा हुआ है उसे डालेंगे और थोड़ा फ्राई करेंगे। आधा कप प्याज डालेंगे और उसे थोड़ा सा गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। अब हम 1/2 कप गाजर, 1/2 कप पत्ता गोभी और 1/2 कप शिमला मिर्च डालेंगे और सौते करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम 1/4 कप मटर डालेंगे और 2 मिनट तक भून लेंगे। अब हम 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे और थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स अवेलेबल ना रहे तो 2 सूखी मिर्च को भूनकर उसे कूट लीजिएगा। अब हम उबले चॉप किए हुए नूडल्स डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। लीजिए, तैयार है हमारा चाइनीज बिरयानी। चलिए अब इसे हम सर्व कर लें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा।